Morning students, class 5, English 2, chapter 1, revision means पुनरावृत्ति. बच्चों आप लोगों ने नीचे क्लासों में letter, word, sentence इत्यादि के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा. चलिए हम उन्हें और एक बार फिर से हम उनका revision करें. फर्स्ट हम देखेंगे लेटर के बारे में. लेटर मीन्स अक्षर. तो यह अक्षर क्या है? अक्षर एक भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके लेटर कहलाते हैं. अंग्रेजी में वर्णमाला कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं. सेकेंड वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द. तो शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसे हम शब्द कहते हैं. जैसे बॉय या गो इत्यादि. सबसे छोटे शब्द दो होते हैं, आई मीन्स मैं और ए मीन्स एक. थर्ड हम देखेंगे सेंटेंस मीन्स वाक्य. तो यह वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस या वाक्य कहते हैं. जैसे राम गोज़ टू स्कूल, या एक सेंटेंस बन गया. फोर्थ क्लोज मीन्स उप वाक्य. तो यह उप वाक्य क्या है? एक बड़े वाक्य में कुछ छोटे वाक्य भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं, उन्हें वाक्य या क्लोज कहते हैं. जैसे मोहन इज माय ब्रदर एंड आई लव हिम. फिफ्थ में हम देखेंगे सेंटेंस. फिर सेंटेंस कितने भाग के होते हैं? सेंटेंस के दो भाग होते हैं, वे हैं बात कहने या काम करने वाला या सब्जेक्ट, तथा जो बात कहे या काम किया गया हो प्रेडिकेट या विधेय कहलाता है. सिक्स्थ हम देखेंगे फिर से सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं? बच्चों आप ध्यान से बोर्ड पे देखें. फर्स्ट अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक या सूचनात्मक. सेकंड नेगेटिव मीन्स नकारात्मक. थर्ड इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक. फोर्थ इंपेरेटिव मीन्स आज्ञा प्रार्थना या सिला वाचक. सिलेबल, सिलेबल क्या है? सिलेबल शब्दांश को सिलेबल कहते हैं. एक शब्द का जितना भाग एक बार में बोला जा सकता है उतना भाग उसका सिलेबल कहलाता है. जैसे हेल्पफुल, इस शब्द में हेल्प एक बार बोला जाता है और फुल दूसरे भाग में. अतः या हेल्प प्लस फुल दो सिलेबल का शब्द हुआ. जब दो एल पर अंत होने वाले शब्द किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उनका एक एल समाप्त हो जाता है. जैसे हम देखेंगे बोर्ड में ड्यूटी प्लस फुल ड्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल ब्यूटीफुल, फुल प्लस फिल फुल फिल. फिर एक में हम पढ़ेंगे पंचुएशन के बारे में. बच्चों पंचुएशन हम किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान से सुनिए. वाक्य